Good morning, dear children. Now it's time to listen to a story. Do you want to listen to a story? So, today I have brought a very interesting story for you. It is the story of the lion and the mouse. You know, the lion is the king of jungle. And the name of the story is The Lion and the Mouse. It is very interesting. So, listen to it very carefully. Let's start. One day, a lion was sleeping under the tree. Wo kaise so raha tha? Aise. Then, a little mouse came there and it climbed over the lion's body. और वो लायन के ऊपर चढ़ गया एंड इट स्टार्टेड जंपिंग ओवर इट. द लायन वॉक अप, ही गॉट वेरी एंग्री. बेटा, जब आप सो रहे होते हो और आपको कोई उठा देता है तो आपको भी बहुत गुस्सा आता है ना. ऐसे ही लायन को भी बहुत गुस्सा आ गया माउस के ऊपर और उसने क्या किया, ही कॉट द माउस इन हिज पो एंड ही सेड, आई विल किल यू, आई विल ईट यू. The mouse was very frightened. He said, please, Maharaj, please let me go. Please, I'll not do it again. Forgive me, please. One day, I'll help you. वो बेटा ऐसे क्यों बोल रहा था? क्योंकि माउस ने मिस्टेक की थी. उसने लायन को सोने नहीं दिया था. इसलिए वो सॉरी बोल रहा था. The lion laughed at the mouse. Ha 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 ha. You small mouse will help me. But the lion took pity on the mouse and let him go. The mouse thanked the lion and went away happily. बेटा, पहले तो lion उसके ऊपर हंसा, भी तुम small छोटे से mouse मेरी help करोगे. But फिर उसको उसके ऊपर तरस आ गया और उसने mouse को जाने दिया. Mouse बहुत खुश हुआ, उसने lion को thank you बोला और वो उसका friend बन गया. और फिर आपको पता है क्या हुआ? एक दिन वहाँ जंगल में हंटर आया. आपको पता है हंटर कौन होता है? हंटर जो एनिमल्स का शिकार करते हैं और एनिमल्स को पकड़ कर ले जाते हैं. द हंटर कॉट द लायन इन हिज नेट. उसने लायन को नेट में पकड़ लिया. द लायन वॉज वेरी अपसेट, ही रोड लाउडली. और पता है उसकी वॉइस किसने सुनी? लिटिल माउस ने, जो उसका फ्रेंड बन गया था. तो उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने अपने शार्प टीथ से पूरा नेट काट दिया. ही कट द नेट विद इट्स शार्प टीथ एंड द लायन वॉज सेट फ्री. लायन फ्री हो गया. लायन वॉज वेरी हैप्पी और उसने माउस को थैंक यू बोला और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए. ओके डियर चिल्ड्रन, नाउ टेल मी, व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम दिस स्टोरी. आपने बेटा इस स्टोरी से क्या सीखा? हमने सीखा कि जब भी हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमें सॉरी बोलना चाहिए. और अगर कोई हमसे सॉरी बोलता है तो हमें क्या करना चाहिए? उसको माफ़ कर देना चाहिए. जैसे कि माउस ने लायन से सॉरी बोला और लायन ने माउस को माफ़ कर दिया और बदले में माउस ने क्या किया, लायन की जान बचाई. तो इसलिए अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा, ठीक है. और दूसरी बात बेटा, आप बेशक बहुत छोटे हो, आप ये मत सोचो कि आप छोटे होने की वजह से अपने मम्मा पापा की, बड़ों की और अपने फ्रेंड्स की हेल्प नहीं कर सकते. बेटा, आप सबकी बहुत हेल्प कर सकते हो. जैसे कि वो देखो, माउस कितना स्मॉल होता है और लायन कितना बिग होता है, फिर भी उस स्मॉल माउस ने बिग लायन की कितनी हेल्प की है ना, उसकी जान बचाई. ऐसे ही आप भी अपने मम्मा पापा की, बड़ों की, अपने फ्रेंड्स की बहुत हेल्प कर सकते हो. तो आप सबकी हेल्प करोगे ना. तो बेटा, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी कि नहीं? ओके डियर चिल्ड्रन, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.